गाइस, दोस्त हमें बनाते हैं, दोस्त हमें बिगाड़ते हैं, और हमारे दोस्त कैसे हैं इसी से ये बात तय होती है कि हम अपनी लाइफ में राइट डायरेक्शन में जाके सक्सेसफुल होंगे या किसी रॉन्ग डायरेक्शन में भटक जाएंगे। और कहते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे अच्छी दोस्त होती हैं बुक्स, और आज इन्हीं दोस्तों में से, इन्हीं बुक्स में से एक ऐसे दोस्त के साथ आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसने मुझे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में गाइड किया, मुझे रास्ता दिखाया। हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एंड दिस इज प्रगट सिंह। और आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द प्रॉफिट एंड इट इज़ रिटन बाई खलील जिब्रान। ये खलील जिब्रान की लिखी हुई पहली बुक है एंड इट इज़ नॉट जस्ट द फर्स्ट बुक रिटन बाई हिम बट ऑल्सो इट इज़ द बेस्ट वन। इस बुक की एक्सीलेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं दैट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस सो फार। इस बुक की शुरुआत होती है एक प्रॉफिट से जो कि कई साल बाद एक शहर से वापस लौट रहे हैं, और उनके लौटने से पहले शहर के रहने वाले लोग उनसे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं, और जो वो आंसर देते हैं वही अलग अलग आंसर्स इस बुक के अलग अलग 26 चैप्टर्स बन जाते हैं। गाइस, चार अल्फाबेट से मिलकर एक वर्ड बना है LOVE, लव। और ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना शायद पॉसिबल ही नहीं है। मेरा पर्सनली मानना है कि इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन है और वो ये है कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जब ये सवाल खलील जिब्रान को पूछा जाता है तो वो जितना ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन करते हैं, इट इज़ अमेजिंग। खलील कहते हैं कि प्यार की सबसे पहली कंडीशन है कंप्लीट सरेंडर। लेकिन याद रहे, ये वो प्यार नहीं है जो हमने अभी कुछ समय पहले एक हफ्ता मनाया है, क्योंकि जनाब ये जो मोहब्बत का हफ्ता है ना, ये तो हफ्ते भर की मोहब्बत है। खलील उस लव की बात कर रहे हैं, उस सरेंडर की बात कर रहे हैं जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की। अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सभी धर्मों को, यानी अपने सभी इंटेलेक्ट को, अपनी परसेप्शंस को छोड़कर कंप्लीट सरेंडर कर दो। ये वो लव है जिसकी बात मौलाना रूमी करते हैं, दैट वॉट आई एम टू डू बट सरेंडर टू द विल ऑफ माई बिलव्ड। ये वो लव है जिसकी बात श्री गुरु नानक साहिब जी करते हैं कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, कि अगर इस प्यार के रास्ते पर चलना है तो जनाब अपनी ईगो, अपना इंटेलेक्ट, अपनी परसेप्शन सब कुछ छोड़कर तब इस रास्ते पर आना पड़ेगा। तो खलील जिस लव के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो लव है जो हमें इस यूनिवर्स की, इस नेचर की वननेस के साथ मर्ज कर देता है। जब उनसे मैरिज के बारे में पूछा जाता है तो वो एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल देते हैं, एक बिल्डिंग जिसके पिलर्स मिलकर एक बिल्डिंग तो खड़ी कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी स्ट्रिंग्स मिलकर एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक तो क्रिएट करती हैं लेकिन वो स्ट्रिंग्स एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं, और अगर गलती से दो स्ट्रिंग्स जुड़ जाएं तो म्यूजिक क्रिएट नहीं होगा। खलील जिब्रान कहते हैं कि एक दूसरे के साथ तो रहिए लेकिन अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स को मत भूल जाइए, लव तो कीजिए लेकिन लव को कभी बाउंड्रीज मत बनने दीजिए। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, और वो है काम करना, मेहनत करना। जब इसके बारे में उनको पूछा जाता है तो मैं सिर्फ उनकी एक लाइन कोट करूँगा जो कि इस बुक में से मेरी फेवरेट लाइन है कि आप असल में अपनी ज़िंदगी को प्यार तभी कर रहे हो अगर आप मेहनत कर रहे हो। अपने पैशन को फॉलो करना, उस पर हार्ड वर्क करना और उस किए जा रहे हार्ड वर्क के साथ प्यार करना, यही अपनी लाइफ को प्यार करना है। और ये तो मैंने सिर्फ तीन टॉपिक्स के बारे में बात की है। इस बुक में खलील जिब्रान ने चिल्ड्रन, डोनेशन, गुड एंड बैड, गिविंग एंड टेकिंग, क्लोथ्स, रिलीजन, लॉ और ऐसे ही 26 टॉपिक्स के बारे में बात की है जिनको आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। Guys, there are two types of the books. एक वो होती हैं जिनको हम एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं जैसे हम पानी पीते हैं, लेकिन दूसरी वो होती हैं जिनको स्लो स्लो पढ़ना पड़ता है जैसे हम चाय पीते हैं, सिप बाई सिप, सोच सोच कर, समझ समझ कर। ये वैसी टाइप की किताबों में से एक है। आमतौर पर हम किसी किताब का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और उसे एक सिंगल लाइन में समराइज करते हैं,
लेकिन इस किताब में आपको हर लाइन के पीछे पूरी की पूरी स्टोरी मिलेगी, पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा, जिसको समझ समझ कर आपको इस किताब में आगे बढ़ना पड़ेगा। गाइज, ये बुक आपके माइंड से डस्ट को क्लियर करती है, और जैसे जैसे ये डस्ट साफ होती रहेगी, आपको महसूस होगा कि इस बुक में लिखी हुई एक एक बात जब ये बुक लिखी गई थी तब भी सच थी, और ये आज भी सच है, और शायद फ्यूचर में भी सच ही रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये किताब 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, तो अगर आप एक पंजाबी रीडर हैं और इस बुक को पंजाबी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे hooktobook.com से परचेज कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश एडिशन के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, मैंने आज से कुछ समय पहले एक कोटेशन पढ़ी थी कि बुक पढ़ना टाइम ट्रैवल करने जैसा है। जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो आप किसी एक ऐसे राइटर से बात कर रहे होते हैं जो शायद आज से 1000 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। खलील जिब्रान को इस दुनिया से गए अभी एक सेंचुरी भी पूरी नहीं हुई, लेकिन आप जनाब इस किताब को पढ़िए, आई एम डैम श्योर दैट यू विल लव टॉकिंग विद हिम। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉफिट, एंड दिस इज माई हाइएस्ट रिकमेंडेशन टू ईच एंड एवरी रीडर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अपना फीडबैक जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी रीडिंग।